मथुरा हाईवे पर आगरा से कोसी कला परीक्षा देकर लौट रही एक युवती से हाईवे पर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी युवती का दोस्त है और उसके साथी भी बताए जा रहे हैं। हालांकि पीड़िता के भाई ने एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में बताया जा रहा है कि दोनों की सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। युवक उसे परीक्षा दिलाने के लिए लेकर गया था। आरोपित घायल युवक को कोसी कला बाईपास किनारे पर फेंक गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कोसी कला क्षेत्र की एक युवती मंगलवार को आगरा में पुलिस उपनिरीक्षक की चल रही भर्ती परीक्षा देने गई थी। युवती का आरोप है कि शाम 6:30 बजे के लगभग जब कोई वाहन कोसी कला के लिए नहीं मिला तो वह एक स्विफ्ट डिजायर कार में बैठ गई। कार में 3-4 लोग पहले से ही सवार थे। आगरा में कार हाईवे पर आई तो उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी। विरोध करने पर अज्ञात युवकों ने उसके साथ मारपीट की, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया। कार में बैठे लोगों ने कोसी कला के बाईपास किनारे उसे गंभीर हालत में फेंक कर कार लेकर भाग गए। राहगीरों ने जब घायल युवती को देखा तो उसके परिजनों को जानकारी दी। पीड़ित युवती को एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। थाना कोसी कला में कल एक युवती के परिजन द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि युवती से एक युवक द्वारा दोस्ती करके उसे धोखे में करके जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। इस शिकायत पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही अंतर्गत धारा 164 बयान दर्ज कराते हुए एवं पीड़िता का मेडिकल कराते हुए प्रकरण में कठोर विधि कार्रवाई सूचित की जाएगी। इस मामले में एसपी देहात का कहना है कि पीड़ित के भाई ने हरियाणा के पलवल निवासी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि युवती की तेजवीर के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी, वही उसको परीक्षा दिलाने के लिए कार से लेकर गया था। कार में तेजवीर और एक चालक था। तेजवीर का पीड़िता के पास केवल मोबाइल नंबर है। उन्होंने कहा कि युवती की हालत अभी ठीक नहीं थी, इसलिए बयान दर्ज नहीं हो पाया है। हो सकता है कि आरोपियों की संख्या एक से अधिक भी हो। युवती के बयान दर्ज करने के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। मथुरा से मनीष चौधरी, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।